से पहले, तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने से पहले यहां लालकृष्ण आडवाणी से मिलते हुए, उनके साथ बैठकर तस्वीर खिंचाई, बात की, उनकी बेटी से बात की, लालकृष्ण आडवाणी का हालचाल जाना, वरिष्ठ नेता बीजेपी के मार्गदर्शन मंडल में शामिल और नई सरकार, या फिर जब भी कोई ऐसा शुभ मौका होता है, कोई बड़ा मौका होता है, नरेंद्र मोदी मुलाकात करते हैं, मिलने पहुंच जाते हैं बीजेपी के इन वरिष्ठ नेता से, उनसे मार्गदर्शन लेते हैं और साथ ही उनका आशीर्वाद भी हासिल करते हैं। तो इससे पहले जब भारत रत्न देने का ऐलान हुआ था, तब भी मुलाकात करने पहुंचे थे नरेंद्र मोदी, और आज एक बार फिर यहां मुलाकात करने पहुंचे हैं। ये तस्वीरें आप लालकृष्ण आडवाणी के घर की ही देख रहे हैं, फूलों का गुलदस्ता यहां दिया उन्हें, उनका हालचाल जाना, उनसे बात की, उनके साथ बैठे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पे। तो बीजेपी को एक प्रमुख पार्टी बनाने में, भारतीय राजनीति में जिनके योगदान को सबसे ऊपर कहा जा सकता है, उनमें से एक लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात करने पहुंचे हैं आज नरेंद्र मोदी। सबसे ज्यादा समय तक पार्टी के अध्यक्ष पद पर बने रहे, पार्टी को लीड करते रहे, और इसीलिए समय समय पर उनसे सलाह मशवरा करने, उनसे उनका आशीर्वाद देने के लिए नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं, रहे हैं उनके घर पर। और आज सीधे जब उन्हें संसदीय दल का नेता चुना गया, तो संसद के सेंट्रल हॉल से सीधे लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी, उनकी उनसे मुलाकात की, उनका आशीर्वाद लिया, और उसके बाद वो मुरली मनोहर जोशी और पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने भी जाएंगे। तीसरी बार एनडीए के संसदीय दल के नेता चुने गए हैं नरेंद्र मोदी। 9 जून को वो शपथ ग्रहण करेंगे। देश में लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री वो बनने जा रहे हैं, और इससे पहले ऐसा करने वाले वो दूसरे नेता हैं। इससे पहले ये रिकॉर्ड पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर है। तो जब लालकृष्ण आडवाणी को इससे पहले भारत रत्न दिया गया था, तब भी नरेंद्र मोदी उनके आवास पर पहुंचे थे। संस्थापक सदस्य हैं लालकृष्ण आडवाणी, वयोवृद्ध हैं, और ऐसे में नई सरकार के गठन से पहले उनसे मुलाकात करने उनके घर पहुंचे हैं नरेंद्र मोदी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आज ही एनडीए के संसदीय दल का नेता नरेंद्र मोदी को चुना गया है, जिसके बाद वो यहां पहुंचे हैं सीधे सेंट्रल हॉल से निकलकर लालकृष्ण आडवाणी के घर उनसे मुलाकात करने। वयोवृद्ध हो चुके हैं लालकृष्ण आडवाणी, ऐसे में उनके साथ उनकी नरेंद्र मोदी की मुलाकात भावुक कर देने वाली भी है। समय समय पर मिलते रहे हैं और मार्गदर्शन लेते रहे हैं। छियानवे साल के लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी के संस्थापक सदस्य हैं। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में वो डेप्यूटी प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख चेहरों में से एक लालकृष्ण आडवाणी, लंबे समय तक भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रहे। तस्वीरें बेहद खास हो जाती हैं, और यहां पर पहुंचे हैं उनसे मुलाकात करने से पहले भी समय समय पर आते रहे हैं, मुलाकात करते रहे हैं। ये आपको दिखा रहे हैं एक्सक्लूसिव तस्वीरें नरेंद्र मोदी की। तीसरी बार सरकार बनाने जा रहे हैं, 9 जून को शपथ ग्रहण समारोह होगा। आज एक एनडीए का डेलीगेशन राष्ट्रपति भवन पहुंचा है समर्थन पत्र सौंपने के लिए, सरकार बनाने का दावा पेश करने के लिए। और से पहले
संसद के सेंट्रल हॉल से सीधा निकलकर नरेंद्र मोदी पहुंचे लालकृष्ण आडवाणी के घर, उनसे मुलाकात करने, उनका आशीर्वाद लेने। एनडीए के संसदीय दल का नेता चुना गया है नरेंद्र मोदी को। अपने संबोधन में कहा कि एनडीए की सरकार में भारत के हर नागरिक के विकास के लिए योजनाएं बनती रहेंगी, उन पर काम होता रहेगा। इसलिए सीधा संदेश भी दिया, कहा कि किसी भी तरह विपक्ष की भ्रामक बातों में ना आए और सभी के हितों का ख्याल रखते हुए देश की सरकार काम करेगी। कौन मंत्री होगा ये हमारी टीम तय करेगी, फेक न्यूज पर विश्वास ना करें। तो सीधा और साफ संदेश नरेंद्र मोदी ने दिया। देश के ऐसे दूसरे नेता जो लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, 9 जून को वो शपथ ग्रहण करेंगे और उससे पहले यहां मिलने पहुंचे हैं लालकृष्ण आडवाणी से, उसकी तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर। आज का जो एनडीए संसदीय दल के संबोधन में, आज सभी नेताओं का संबोधन बेहद खास रहा। चिराग पासवान ने एक बार फिर दोहराया, लगातार वो खुलकर दोहराते रहे हैं कि वो नरेंद्र मोदी के कार्यों के मुरीद हैं और उनके साथ जो अलायंस है वो बहुत ही पवित्र है और लगातार मजबूत है। वहीं टीडीपी से चंद्रबाबू नायडू ने भी दोहराया कि एनडीए का हिस्सा है टीडीपी, और अनुप्रिया पटेल यूपी में जो अलायंस का हिस्सा है उन्होंने इस बात को दोहराया कि किस तरह से वो नरेंद्र मोदी को संसदीय दल का नेता चुने जाने पर सहमत हैं और सरकार के साथ मिलकर वो काम करते रहेंगे। नीतीश कुमार, चंद्रबाबू नायडू, इन पर सभी की निगाहें बनी हुई थी। तो ये आज हुई इस संयुक्त बैठक में तीसरी बार सर्वसम्मति से नरेंद्र मोदी को नेता चुना गया और फिर उसके बाद वो वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी के घर पहुंचे, उनसे मुलाकात की, आशीर्वाद भी लिया है। और आज जब एनडीए संसदीय दल का नेता चुना गया नरेंद्र मोदी को, तो उन्होंने कहा कि मेरे लिए खुशी की बात है कि इतने बड़े समूह को आज मुझे यहां स्वागत करने का अवसर मिला है। उन्होंने तमाम कार्यकर्ताओं को, जिनकी वजह से आज एक बार फिर ये संभव हो पाया, उनको प्रणाम करने की बात भी कही। और बेहद खास तस्वीर जब वो पहुंचे सेंट्रल हॉल, तो उन्होंने भारत को, संविधान को अपने माथे से लगाया और नमन किया। पूरा हॉल इस दौरान मोदी मोदी के नारों से गूंज उठा था। तो लालकृष्ण आडवाणी से मुलाकात नरेंद्र मोदी ने की है। तो उस बीच एनडीए का एक डेलीगेशन पहुंचा है राष्ट्रपति भवन और संसद के सेंट्रल हॉल से सीधा निकलकर पहुंचे लालकृष्ण आडवाणी के घर नरेंद्र मोदी। एनडीए के डेलीगेशन ने राष्ट्रपति को समर्थन पत्र सौंपा है। शाम 6 बजे राष्ट्रपति नरेंद्र मोदी को बुला सकती हैं, अगली सरकार के गठन के लिए वो आमंत्रित करेंगी। तो ये तमाम हलचले जिनके बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, ये महत्वपूर्ण तस्वीर जब लालकृष्ण आडवाणी के घर नरेंद्र मोदी पहुंचे थे, उनसे मुलाकात करने, उनका हालचाल जाना, आशीर्वाद लिया, बैठे वहां पर कुछ देर उनके साथ। नई सरकार के गठन से पहले तमाम जो रस्म अदायगी होती हैं, औपचारिकताएं होती हैं, फॉर्मेलिटीज कह लीजिए उन्हें, वो स्टेप बाय स्टेप चरणबद्ध तरीके से यहां पर पूरी की जा रही है।
तो और भी जो हलचल होंगी आपको उसकी जानकारी देंगे। अब खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए बात करते हैं एमपी की ब्यूरोक्रेसी में बड़े फेरबदल की। सीएम डॉक्टर मोहन यादव बड़े बदलाव की तैयारी में हैं। मुख्य सचिव वीरा राणा के एक्सटेंशन से पहले ही नया सीएस मिल जाएगा। डीजीपी सुधीर सक्सेना का कार्यकाल भी 2 मार्च को पूरा हो चुका है। मुख्य सचिव के दावेदारों में डॉक्टर राजेश राजौरा का नाम है, मोहम्मद सुलेमान का नाम है, एसएन मिश्रा के नाम भी शामिल हैं। केंद्र में पदस्थ अनुराग जैन का नाम भी चर्चाओं में है। मंत्रालय में लंबे समय से वो पद पर हैं, विभागाध्यक्ष भी हटेंगे। तो जो मंत्रालय में लंबे समय से विभागों के अध्यक्ष पद पर बने हुए हैं उन्हें हटाया जाएगा। तो ये बड़ा बदलाव मध्य प्रदेश की ब्यूरोक्रेसी में करने की तैयारी में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव हैं। जो दावेदार हैं उनके नाम भी एक बार फिर हम आपको दोहरा देते हैं। दावेदारों में डॉक्टर राजेश राजौरा का नाम है, मोहम्मद सुलेमान का नाम है, एसएन मिश्रा का नाम भी शामिल है और केंद्र में पदस्थ अनुराग जैन का नाम भी चर्चा में है। भोपाल में मंत्री और विधायकों के लिए नए बंगले और अपार्टमेंट बनाने की तैयारी है। तुलसी नगर और शिवाजी नगर में कुल 2,267 मकानों को तोड़कर मंत्रियों विधायकों और अधिकारियों के लिए नए मकान बनाने की तैयारी की गई है। 297 एकड़ जमीन पर 2,378 करोड़ की लागत का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है जिसमें मंत्रियों के 30 बंगले और 16 फ्लैट होंगे। इसके साथ ही विधायकों के लिए 230 फ्लैट और सरकारी अधिकारियों के लिए 3,480 मकान बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश के माननीयों को जल्द ही नए आवास बनाए जाएंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के तुलसी नगर और शिवाजी नगर इलाके में लगभग 2,267 मकानों को तोड़ने का प्लान जो है वो नगरीय प्रशासन विभाग ने तैयार किया और उसके बाद इस पूरी 297 एकड़ जमीन पर 2,378 करोड़ रुपए की लागत से माननीयों के बंगले बनाए जाएंगे जिसमें मंत्रियों के 30 बंगले और 16 फ्लैट, इसके अलावा विधायकों के लिए 230 फ्लैट बनाए जाएंगे। इतना ही नहीं, इसके साथ ही सरकारी अधिकारियों के लिए भी लगभग 3,480 मकान तैयार किए जाएंगे। देखिए, अभी अगर मैं मध्य प्रदेश की राजधानी के लिहाज से देखूं तो 74 बंगला हुआ, इसके अलावा 4 इमली, इसके अलावा तुलसी नगर, शिवाजी नगर, ये वो इलाके हैं जहां पर सरकारी आवास हैं। लेकिन अब इनको एक तरफ एक ही जगह लाने के लिए जो है नगरीय प्रशासन विभाग ने एक नया प्रोजेक्ट तैयार किया है और उसके लिए कल बाकायदा पूरी प्लानिंग कर ली गई है और जल्द ही इसको अमल में भी लाया जाएगा। तो आने वाले समय में मध्य प्रदेश के जो 230 माननीय हैं उनके लिए नए आवास तुलसी नगर और शिवाजी नगर में तैयार किए जाएंगे। ये अभी इसका पूरे तरीके प्लान तैयार किया गया है और ये आने वाले समय में इस इलाके के 2,200 से अधिक जो मकान है तोड़े जाएंगे, उसके बाद नया निर्माण किया जाएगा। कैमरा मनीष संगर के साथ सैलन सिंह, न्यूज 18 भोपाल। वहीं दिल्ली में कांग्रेस की नेता कमलनाथ ने सोनिया गांधी से मुलाकात की और छिंदवाड़ा के साथ ही मध्य प्रदेश में हुए लोकसभा चुनाव में हार की समीक्षा की। सोनिया गांधी से मुलाकात के बाद कहा कि राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा हुई है और क्या किया गया और क्या किया जा सकता है इसको लेकर चर्चा हुई। वहीं उन्होंने चुनाव में हारने के बाद आरोप लगाया कि बीजेपी ने पैसों की ताकत का इस्तेमाल किया और इससे लोग प्रभावित हुए। मध्य प्रदेश की बात करी और आज की जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं देश में उसकी बात करी और क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, ये सब बातें हुई। ये पूरा प्रशासन का उपयोग, पैसे का उपयोग, दुरुपयोग, सब छोटे छोटे लोगों को बड़े बड़े पैसे देना, यही इनका कारण था। दमोह में सरकारी शराब की दुकान पर जेसीबी का एक्शन हुआ है। नाले पर अतिक्रमण कर ये दुकान चलाई जा रही थी। ग्राम पंचायत की शिकायत के पास इस अतिक्रमण को हटाया गया। आचार संहिता हटते ही जिला प्रशासन ने कार्रवाई की है। शराब की दुकान हटने के लिए महिलाओं ने आंदोलन किया था। कलेक्टर के निर्देश के बाद राजस्व विभाग का एक्शन देखने को मिला है। आम चोपड़ा गाँव में बड़ी कार्रवाई हुई है।
समय हो चुका है और दमोह में अतिक्रमण हटाने का अभियान निरंतर चल रहा है। कलेक्टर महोदय के निर्देश के अनुरूप कुछ दिनों पहले यहाँ पर भी एक ज्ञापन प्राप्त हुआ था, ग्राम पंचायत के माध्यम से भी शिकायत प्राप्त हुई थी कि चौपरा खुर्द में जो पूर्व का नाला बना हुआ था उस पर एक पुरुषोत्तम तिवारी नामक व्यक्ति द्वारा नाले पर अतिक्रमण करके दुकान बना ली गई थी। आज उसी के तहत कार्रवाई हुई है। मुरैना में दबंग